हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। मैं हूं सुरभि और आज हम बात करेंगे डॉग ब्रीड रफ कोली के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रफ कोली का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम और स्कॉटलैंड में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि रफ कोली स्कॉटिश हर्डिंग डॉग ब्रीड का ही एक डिसेंडेंट है। इसको पहले गोट्स या शीप हर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन 1954 में आई एक सीरीज लैसी की वजह से रफ कोली को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इसको एज अ पेट डॉग और एज अ कंपेनियन डॉग लोग बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने लग गए। इतना ही नहीं, ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि इसकी कई सारी और मूवीज़ भी बनी और इवन लैसी के नाम का एक स्टार भी है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के अंदर। ऐसा भी माना जाता है कि पहले के टाइम के रफ कोली जो थे उनको बॉजॉय डॉग से ब्रीड कराया गया था, जिसकी वजह से इनका इतना लॉन्ग मजल डेवलप हो गया है, जो कि अब एक तरीके से इनका यूनिक ट्रेल बन गया है। जब फन फैक्ट्स की बात हो ही रही है, तो मैंने कई साल पहले एक मूवी देखी थी जिसका नाम था ब्रह्मचारी, जो कि 1968 में आई थी और इसके अंदर एक डॉग था जो बिल्कुल मेरे को रफ कोली जैसा लगा था। पर फिर मेरे को डाउट था कि शायद ये शेटलैंड शिप डॉग भी हो सकता है, क्योंकि शेटलैंड शिप डॉग और रफ कोली काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये रफ कोली है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये रफ कोली है तो मुझे कमेंट करके बताना। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इसका एक सॉन्ग है चक्के पे चक्का, जो कि ब्रह्मचारी मूवी का ही है, वो जाके देख सकते हैं। उसमें वो डॉग काफी क्लियरली दिखाया गया है, तो आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से वो रफ कोली है, बाकी मुझे उसका कोई ऑफिशियल आर्टिकल मिला नहीं। इस दोबारा वीडियो पे ध्यान देते हैं। रफ कोली के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो रफ कोली का जो हेड होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और इसका जो स्कल होता है वो भी फ्लैट स्कल होता है। इनका मजल जो होता है वो वी शेप का होता है और इनके स्कल पे बिल्कुल हल्का सा उठाव होता है। कोली की आईज की बात करें तो इनकी आईज मीडियम साइज की होती हैं और ऑलमंड शेप की होती हैं और जनरली ये डार्क ब्राउन कलर की होती हैं, लेकिन ये कोट कलर पे भी डिपेंड करता है। कई बार मर्ल ब्लू कलर का जो कोट होता है उसके अंदर मर्ल ब्लू आईज या फिर ब्लू कलर की आईज भी देखी गई हैं। कोली के ईयर्स मीडियम साइज के होते हैं और ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक यूनिक ट्रेल होता है कि रफ कोली के जो ईयर की टिप होती है वो हमेशा हल्का सा फोल्ड होती है, जिसको कई बार ये ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन जब भी रेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं रफ कोली तो जनरली वो हल्का सा फ्लिप हो जाता है, यानी कि पूरा फ्लिप भी नहीं होता है ईयर, जैसे कि लैब्राडोर वगैरह की तरह भी नहीं होगा, लेकिन जर्मन शेफर्ड की तरह भी हमेशा एकदम पॉइंटेड नहीं रहेगा, हल्का सा उसके टिप पे जाके फ्लॉपीनेस आ जाएगी। रफ कोली के टेल की बात करें तो इनकी टेल लॉन्ग होती है और मोस्टली नीचे की तरफ होती है, लेकिन ये इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं और इनके टेल के एंड पे एक हुक टाइप शेप बनता है। कोली की बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी शेप होता है वो मोस्टली लॉन्ग होता है टॉल के मुकाबले, मतलब इनकी हाइट ज़्यादा नहीं लगती है देखने में, लेकिन ये लंबे ज़्यादा लगते हैं और ये हमेशा स्ट्रेट खड़े होते हैं और इनके जो नेक है और जो बैक लेग्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फर होता है, कि इतना ज़्यादा फर होता है कि इनकी टेल भी उसके अंदर दिखाई नहीं देती है जब आप इन्हें एक साइड से सीधा खड़ा हुआ देखेंगे। ऐसे तो रफ कोली काफ़ी मस्कुलर नहीं दिखते हैं क्योंकि मोस्टली कोट से कवर होते हैं, इसलिए काफ़ी फ्लफी से दिखते हैं, लेकिन रफ कोली की बोन्स और मसल काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से ही ये काफी अच्छे हर्डिंग डॉग बन पाते हैं और इनके जो फीट होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं। करते हैं रफ कोली के कोट टाइप और कोट कलर की। तो इनका डबल लेयर कोट होता है और जनरली इनका कोट लॉन्ग होता है। हाँ, डबल लेयर कोट के साथ साथ इनका जो अंडर लेयर कोट होता है वो डेंस और सॉफ्ट होता है और जो आउटर लेयर कोट होता है वो जनरली हार्ड होता है, जो कि इनके स्विमिंग में भी हेल्प करता है। कोली कई सारे कलर्स में पाया जाता है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर है ट्राई कलर, सेबल कलर, ब्लू मर्ल सेबल, वाइट कलर सेबल एंड मर्ल कलर और कई सारे और शेड। रफ कोली का जो सबसे रेयरेस्ट कलर है वो है वाइट कलर। कोली की ग्रूमिंग नीड्स की बात की जाए तो जनरली रफ कोली काफ़ी क्लीन डॉग होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको वीकली ब्रशिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका लॉन्ग कोट होता है इसलिए इसमें बहुत ही इजीली मैट्स वगैरह पड़ जाते हैं और सीजनल शेड तो ये होते ही हैं, जैसे कि बाकी सब डॉग शेड होते हैं, तो उस टाइम भी आपको काफ़ी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि रफ कोली का कोट जो है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। कोली के बिहेवियर और ट्रेनिंग की बात की जाए तो रफ कोली जो है काफ़ी लॉयल डॉग होते हैं, जैसे कि बाकी सब डॉग होते हैं। इसके साथ साथ रफ कोली काफ़ी लविंग होते हैं अपनी फैमिली को लेके, बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड है, बहुत ही जॉयफुल डॉग होते हैं ये, और वैसे तो ये गार्डिंग डॉग ब्रीड नहीं होते हैं लेकिन ये एक अच्छे वॉच डॉग हो सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि रफ कोली जो होते हैं वो बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। अब ऐसा क्यों है इसका कोई अभी रीज़न हमें पता नहीं है, पर ऐसा देखा गया है कि रफ कोली जो है वो बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा गार्डिंग डॉग टाइप बिहेव करते हैं। वैसे ही जनरली गार्डिंग डॉग नहीं होते हैं, लेकिन जिनके घर में बच्चे होते हैं तो उनको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव
फील करते हैं। टफ कोली की ट्रेनिंग की बात की जाए तो जनरली ये काफी इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड होती है और काफी जल्दी नई नई चीजें सीख जाती है, लेकिन ध्यान रखें इनकी भी सोशलाइजेशन बाकी सारे डॉग ब्रीड की तरह बहुत ही जरूरी है। इनकी तो स्पेशली ज्यादा ही जरूरी है क्योंकि ये हर्डिंग डॉग ब्रीड में से आते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग एनिमल्स के साथ सोशलाइज करने की, ह्यूमंस के साथ सोशलाइज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। रफ कोली की हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले रफ कोली के वेट की बात कर लेते हैं। तो इसका वेट जनरली मेल के अंदर 20 से लेके 29 केजी तक होता है और फीमेल के अंदर 18 से लेके 25 केजी तक। वहीं पे रफ कोली मेल की हाइट 56 से लेके 61 सेंटीमीटर तक होती है और फीमेल की हाइट 51 से लेके 56 सेंटीमीटर तक होती है। जनरली रफ कोली काफ़ी हेल्दी डॉग ब्रीड है, लेकिन बाकी बड़ी डॉग ब्रीड की तरह इनके अंदर भी हिप डिप्लेशिया की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखी गई है। और हाँ, एक प्रॉब्लम और होती है जो स्पेशली कोली ब्रीड्स के अंदर देखी गई है, जिसको हम कहते हैं CEA, यानी कि कोली आई एनोमली जनरेटिकली डिसीज है। इसका मतलब है कि पपीज इसके साथ बॉर्न होते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी आप कोई रफ कोली ले रहे हैं तो उसके आईज का चेकअप ज़रूर कराएं। और एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पपी ब्लाइंड है या फिर डीफ है तो वो ट्रेंड नहीं हो सकता या फिर वो एक अच्छा कंपेनियन नहीं बन सकता। ऐसे कई सारे डॉग हैं जो ब्लाइंड है और डीफ है और कई बार दोनों ही हैं, और उसके साथ साथ वो वेल ट्रेंड है और बहुत ही अच्छे कंपेनियन और बहुत ही अच्छे पेट हैं। अब एक बात कर लेते हैं स्मूथ कोली के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या स्मूथ कोली और रफ कोली तो अलग ब्रीड हैं। तो नहीं, स्मूथ कोली और रफ कोली सेम ब्रीड है, बस अंतर इतना है स्मूथ कोली जो होता है उसका हेयर जो होता है वो शॉर्ट होते हैं और रफ कोली के हेयर लॉन्ग होते हैं। तो रफ कोली को मोस्टली हर्डिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और स्मूथ कोली को एज अ पेट ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। ओवरऑल बात करें तो रफ कोली एक परफेक्ट फैमिली डॉग है, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं। गार्ड डॉग तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये अच्छे वॉच डॉग बन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका डॉग कितना ही अच्छा हो या आपने कितना ही उस ब्रीड के बारे में सुना हो कि बच्चों के साथ अच्छा होता है, कभी भी किसी भी डॉग को बच्चों के साथ अकेला ना छोड़ें। लेकिन हाँ, इसको हम अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग नहीं कह सकते हैं क्योंकि रफ कोली को एक प्रॉपर स्पेस चाहिए रनिंग के लिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर्डिंग डॉग ब्रीड है, इसलिए इसको प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए। इसलिए अगर आप एक्टिव फैमिली नहीं है तो रफ कोली आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक एक्टिव फैमिली हैं और आपके पास बहुत सारा स्पेस है जिसमें आप कम से कम एक डेढ़ घंटे आपका रफ कोली जो है वो रनिंग वगैरह कर सकता है, तो रफ कोली फैमिली के लिए बहुत अच्छा डॉग होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि अगर इन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिलेगी तो इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन वगैरह आ सकता है और इनके अंदर थोड़ा सेपरेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि अपने फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा लविंग होते हैं। तो रफ कोली बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग होते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो रफ कोली डॉग ब्रीड के बारे में। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो वहां पे भी जाके हमें फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।